हम अभ्यास प्रश्न करेंगे कविता के साथ। पहला, अस्ते सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? तो अस्ते सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया क्रांति के आगमन की संभावना को कहा गया है। संपन्न लोग गरीब किसानों व दलितों का शोषण कर उनका खजाना भरते हैं व भवन खड़े करते हैं। वह उस धन से अपने जीवन को सुख साधनों से परिपूर्ण कर लेते हैं तथा जैसे ही क्रांति का आगमन होता है वे स्वयं उनका धन भवन गमन सब नष्ट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन, अश्नीपात से शापित उन्नत शत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो अश्नीपात से शापित उन्नत शत वीर पंक्ति में पूंजीपतियों व शोषकों वो होता है जो शोषण करते हैं, शोषकों की ओर संकेत किया गया है। यह शोषक वर्ग निर्धन वर्ग के लोगों का शोषण कर उनके धन पर अपना अधिकार कर लेते हैं तथा क्रांति की संभावना के श्राप से डर कर आकाश छूने की होड़ में लग जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विपल्ला राव से छोटे ही है शोभा पाते, पंक्ति में विपल्ला राव से क्या तात्पर्य है? छोटे ही है शोभा पाते ऐसा क्यों कहा गया है? तो उपयुक्त पंक्ति या फिर विपल्ला राव के छोटे ही शोभा पाते, इस पंक्ति में विपल्ला राव से तात्पर्य यह है कि क्रांति का स्वर जिसे सुन संपन्न शोषक वर्ग भयभीत हो उठता है, भय से कांप उठता है और निर्धन कमजोर वर्ग आनंदित हो उठता है। यह क्रांति छोटे ही है शोभा पाते ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यह क्रांति पूंजीपतियों से शोषित का धन वापस ले छोटे किसानों दलितों व मजदूरों कमजोर लोगों की मदद करती है, इसलिए छोटे ही शोभा पाते कहा गया। मतलब छोटे ही शोभा पाते इसलिए कहा गया कि जो क्रांति का आगमन होता है वो संपन्न लोगों से जो हड़पा हुआ धन होता है गरीबों का वो वापस ले उन गरीबों और निर्धन लोगों में खुशियों की तरह बांट दी जाती है। फोर्थ क्वेश्चन, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता में रेखांकित करती है? तो बादलों के आगमन से प्रकृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन इस कविता के माध्यम से बतलाए गए हैं। आकाश बादलों से अलंकृत हो जाता है, मतलब बादलों से पूरा घिर जाता है। शीतल वायु बहने लगती है, मूसलाधार वर्षा होती है, बादलों की गर्जन तर्जन से, बिजली कड़कड़ाने से, लंबे वृक्ष लताएं व पर्वतों के धाराशाही होने से भय का वातावरण बन जाता है, मानो कोई युद्ध का मैदान हो। बादलों के बरसने से जमीन में दबे बीज अंकुरित होते हैं तथा छोटे पौधों को नव जीवन की प्राप्ति होती है, साथ ही किसानों की फसलों में भी वृद्धि होती है। तो ये परिवर्तन होता है। आपको इनका PDF दे दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्याख्या कीजिए तृतीय समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया जग में नहीं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ आगे, तो आप देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कला की बात। पहला, पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, आपको प्रकृति का कौन सा मानवीय रूप पसंद आया और क्यों? तो प्रस्तुत कविता में प्रकृति पर मानवीकरण किया गया है। वैसे इसमें प्रकृति के अनेक मानवीय रूप चित्रित है, परंतु हमें इसका यह रूप पसंद आया, वो वाला पद जिसमें सेकेंड वाला पद फिर वाला उसमें लास्ट के थे, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते। तो ये जो पद है आप चाहें तो इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि जो इस अंश में छोटे पौधों का शोषित वर्ग के प्रति प्रतीक बताया गया है कि जब क्रांति का आगमन होता है तो वह उसकी गूंज सुन उल्लास से भर जाते, प्रसन्नतापूर्ण उठ कर देखते हैं कि कब बादल बरसे और उन्हें नव जीवन मिले, तो वो हाथ हिला हिला कर खुशी से और बादलों को अपनी ओर बुला रहे हैं। तो यहाँ पर यह इनका मानवीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है? संबंधित वाक्यांश को छांट कर लिखिए। हाँ, तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कविता की व्याख्या समझाते हुए कि तृतीय समीर सागर पर यहाँ पर रूपक अलंकार समीर सागर में, अट्टालिका नहीं है आतंक भवन यहाँ पर रूपक अलंकार है, यह तेरी रणतरी यहाँ पर रूपक अलंकार है, भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, भेरी गर्जन नगाड़े के समान जो गर्जन है वो, और वज्र हुंकार के समान है कठोर वहाँ पर, और ए जीवन के पारावार यहाँ पर, यहाँ सब जगह रूपक अलंकार है।
थर्ड क्वेश्चन है, इस कविता में बादल के लिए ए विप्लव के वीर ए जीवन के पारावार जैसे संबंधों का इस्तेमाल किया गया है। बादल राग कविता में शेष 5 खंडों में भी कई संबोधनों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे अरे वर्ष वर्ष के हर्ष, मेरे पागल बादल, ए निर्बंध, ए स्वच्छंद, ए उद्दाम, ए सम्राट, ए विप्लव के प्लावन, ए अनंत के चंचल शिशु सुकुमार। उपयुक्त संबोधनों की व्याख्या करें तथा बताएं कि बादल के लिए इन संबोधनों का क्या औचित्य है। औचित्य मतलब मतलब है। तो पहला है अरे वर्ष के हर्ष, मतलब बादल वर्ष भर जिसमें वर्षा ऋतु के मूसलाधार बरस कर धरती को हरा भरा बनाते हैं और इसलिए यह संबोधन किया गया है। नेक्स्ट, मेरे पागल बादल, बादल आकाश में अपनी स्वच्छंद गति से मंडराते रहते हैं, स्वच्छंद व गरजते एवं मस्त बने रहते हैं, यह कथन बादलों को मस्त चाल के लिए उचित है। ए निर्बंध, बादल सर्वथा स्वच्छंद होते हैं, मतलब अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं, वे किसी के बंधन या नियंत्रण में नहीं रहते, इसलिए उन्हें उन पर किसी का अधिकार नहीं होता, इसलिए उन्हें निर्बंध कहा गया, बंधन मुक्त कहा गया। ए उद्दाम, बादल पूर्णतया निरंकुश और असीमित आकाश में उमड़ते घुमड़ते हुए घनघोर गर्जना करते रहते हैं, इन पर किसी का अधिकार नहीं होता, इसलिए इनके लिए ए उद्यम कहा गया है। ए सम्राट, ए सम्राट मतलब जो बादल होते हैं वो क्रांति के प्रतीक होते हैं, सम्राटों की तरह होते हैं जो बदलाव लाते हैं, इसलिए ए सम्राट कहा गया है। ए विप्लव के प्लावन, तो बादलों के मूसलाधार बरसने से विनाशकारी बाढ़ भी आ जाती है, यह संबोधन उचित है। विप्लव यहाँ पर क्रांति है, तो जो क्रांति का आगमन करते हैं, अब क्रांति तो बाढ़ के रूप में भी आ सकती है, तो इसलिए यहाँ विप्लव के प्लावन कहा गया। ए अनंत के चंचल शिशु कुकुमार, बादल चंचल शिशु की तरह सुकुमार भी होते हैं, नटखट बच्चों की तरह मचलते हैं, प्रकृति के चंचल शिशु के समान है, अतः यह संबोधन उचित है उनके लिए। फोर्थ क्वेश्चन, कवि बादलों को किस रूप में देखता है? कालिदास के मेघदूत काव्य में मेघों को दूत के रूप में देखा, आप अपना कोई काल्पनिक बिंब दीजिए। तो कवि बादलों को सामाजिक परिवर्तन लाने वाले क्रांतिकारी के रूप में देखता है। क्रांति के आगमन से शोषित वर्ग का हित करने वाला प्रवर्तक के रूप में देखता है। महाकवि कालिदास ने अपने खंड काव्य मेघदूत में बादलों को यक्ष के दूत रूप में चित्रित किया है, तो इसका काल्पनिक बिंब आप स्वयं बना लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, कविता को प्रभावी बनाने के लिए कवि विशेषणों का सायाश प्रयोग करते हैं, जैसे अस्थिर सुख, सुख और के साथ, अस्थिर विशेषण के प्रयोग को सुख के अर्थ में विशेष प्रभाव पैदा कर दिया है। ऐसे अन्य विशेषणों को कविता में छांट कर लिखे तथा बताएं कि ऐसे शब्द पदों के प्रयोग के लिए कविता में अर्थ क्या विशेष प्रभाव पैदा हुआ है। तो वैसे तो आप खुद ढूंढ लीजिएगा, फिर मैं बता देती हूँ। दग्ध हृदय, यहाँ पर दग्ध विशेषण लगाने से जो हद लगाने से दुख्त संताप की अधिकता व्यक्त हो रही है कि जो हृदय है उसमें ज्वाला की तरह दुख उड़ल रहा है, तो यहाँ पर दग्ध हृदय, हृदय के लिए दग्ध विशेषण यूज किया गया है। निर्दय विपल्लव, निर्दय विशेषण यूज किया गया है विपल्लव के लिए कि लगने से विपल्लव को अधिक क्रूर और हृदयहीन बताया गया है। सुप्त अंकुर, सुप्त विशेषण अंकुर के लिए यूज किया गया, अंकुरों को मिट्टी के अंदर दबा हुआ बताया गया है। घोर वज्र हुंकार, यहाँ पर वज्र के साथ घोर व हुंकार के प्रयोग से उसकी भयानकता का प्रभाव व्यक्त हुआ है। अचल शरीर, यहाँ अचल विशेषण के साथ शरीर को घायल दशा में व्यक्त किया गया, जो हिलडुल नहीं सकता। रुद्ध कोष, रुद्ध विशेषण के साथ खजानों की सुरक्षा व्यक्त की गई है, अर्थात रुका हुआ संरक्षित कहा गया है। आतंक भवन, भवन को उसकी ऊंचाइयों के कारण आतंक, भयभीत और उसका भवन के लिए आतंक का, आतंक विशेषण का प्रयोग किया गया है। बुलाता कृषक अधीर, इसमें अधीर विशेषण से कृषक की व्याकुलता एवं व्यथा की व्यंजना हुई है, जो वर्षा से बदला, वर्षों से बदलाव की वर्षा के लिए प्यासा है। तो बाकी और आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर शब्दार्थ भी दिए गए हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, पर इनको कॉपी में नहीं उतारना है। और आपको पूरे चैप्टर की व्याख्या करनी है, जैसे जैसे मैंने आपको पद बताए हैं,
तो पांच पद आपको अपनी कॉपी में करने हैं, उनके काव्य सौंदर्य, उनकी प्रसंग, उनका संदर्भ, उनकी व्याख्या आपको कॉपी में करनी है। आपको कविता के साथ वाले प्रश्न करने हैं, ये कला की बात ये वाले प्रश्न आपको नहीं करने हैं, और शब्दार्थ आपको पढ़ लेने हैं, और आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।